सनातन पर जुबानी जंग और हुई तेज। तमिलनाडु के मंत्री बोले, सनातन के खिलाफ लड़ने को बना इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, बर्दाश्त नहीं सनातन के खिलाफ बयान। जो सनातन की तरफ आंख खुला करके देखेगा, वो उठने वाली हालत आपको हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का पीओके पर बड़ा बयान, बोले अपने आप भारत के अंदर आ जाएगी, पीओके कीजिए थोड़ा इंतजार। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा इंतजार कर। चीन पर चौकस निगाह के लिए एलएसी पर भारत की बड़ी किलाबंदी। लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे शिलान्यास। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह की परिवर्तन यात्रा। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे पीएम। यूपी के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 27 लोगों की मौत। उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 130 भेड़ों की मौत। सीएम योगी का राहत और मदद का ऐलान। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की बहुत बड़ी जीत। रिकॉर्ड 228 रनों से जीता भारत। 356 रनों के जवाब में महज 128 रनों पर सिमटी पाकिस्तानी टीम। आज श्रीलंका के साथ मुकाबला। अफ्रीकी देश लीबिया में समुद्री तूफान डानियल का कहर। 2000 लोगों की मौत की आशंका। हजारों लोगों के लापता होने की खबर। तटीय इलाकों में तबाही के सबसे भयानक मंजर। मोरक्को में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 2500 के पार। ऐतिहासिक शहर मराकेश समेत कई इलाकों में मची तबाही। कई लाख लोग प्रभावित। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।